अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का फिज़िक्स का दूसरा सबक सयालों की मैकेनिकी खसूसियात यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूड्स ये सबक शुरू कर रहे हैं। पिछला जो चैप्टर था गर्दिशी हरकियात यानी रोटेशनल डायनमिक्स, इसके तमाम बिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में वो चैप्टर कंप्लीट कीजिए और उसके प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए। आज जो चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूड्स, ये आप लोगों का फिज़िक्स फर्स्ट का जो है ये सेकंड चैप्टर है और इसके जो मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स हैं और इख्तियारी मार्क्स जो है वो 7 मार्क्स का ये चैप्टर है और आसान सबक है, थ्योरेटिकल पार्ट है ज़्यादा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूड्स। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, जो कि सबक का ही नाम है कि फ्लूड्स यानी कि सयाल, इससे क्या मुराद है, हम सयाल किसे कहते हैं। वो शय बह सकती है इसे हम क्या कहते हैं, सयाल कहते हैं। कि जो शय क्या हो सकती है, बह सकती है, फ्लो हो सकता है जिसके अंदर, इसे हम फ्लूड कहते हैं। यानी लिहाजा सयाल से मुराद क्या होते हैं, मायात होते हैं, ये हमारे जहन में आता है। हम बस ये सोचते हैं कि पानी है, दूध है, ये क्या है, माया है, ये बह रहा है तो ये सयाल है। लेकिन मायात के साथ साथ गैसेस भी क्या होती है, बहती है, और उसी तरीके से प्लाज्मा, ये भी क्या है, सयाल में आता है। तो कौन सी शय, ऐसी शय जो क्या कर सकती है, बह सकती है, फ्लो हो सकती है, इसे हम फ्लूड या सयाल कहते हैं। यानी मायात, गैस और प्लाज्मा, ये क्या है, सयाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सयाल पर मुख्तसर नोट लिखिए। सयाल क्या होता है, ऐसी शय जो बह सकती है वो सयाल होता है, यानी कि मायात और गैस और प्लाज्मा, ये क्या है, सयाल है। सयाल एक ऐसी शय है जो बेरूनी क़ुव्वत के ज़ेर अमल मुसलसिल बिगाड़ पैदा होता है। यानी अगर कभी हम इस पर बेरूनी क़ुव्वत लगाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, बिगाड़ पैदा होगा। सयाल का ममासी मखियास सिफर होता है। ममासी मखियास यानी कि ये शीरिंग मॉडुलस है जो आपको एलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर हो गया है, 11th के अंदर जो एलास्टिसिटी था हमें, ममासी मखियास एलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इसके अंदर यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके अंदर स्ट्रेस था, स्ट्रेन था। तो स्ट्रेस की जो 3 टाइप थी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, यानी कि जो ममासी मखियास होता है वो सिफर होता है। डिटेल हम आगे इसकी देखेंगे। यानी बोलने का मतलब ये है, ममासी मखियास 0 होता है, यानी अगर इस पर जो क़ुव्वत है, ममासी क़ुव्वत की मज़ाहमत नहीं करती है, जैसा कि हवा है, पानी है, टूथपेस्ट है, ये जो है सयाल की चंद मिसालें हैं। सयाल क़ुव्वत या दबाव ढलान के अमल से बहते हैं, जैसा कि अगर हम पानी की बात करें तो ऊपर से ही नीचे की तरफ आएगा, है ना। यानी ये क्या है, ढलान के अमल से बहते हैं, क़ुव्वत या दबाव ढलान के अमल से बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर दाब पज़ीर सयाल क्या है। गैर दाब पज़ीर सयाल वो सयाल होते हैं जिनकी कसाफत दबाव में तब्दीली के सबब नहीं बदलती, यानी कसाफत मुस्तकिल होती है। अब गैर दाब का मतलब होता है इनकम्प्रेसिबल, यानी अगर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, दबाव लगाएंगे, दबाव डालेंगे, तो दबाव डालने पर इनकी कसाफत में कोई तब्दीली नहीं आती, कसाफत क्या होती है, मुस्तकिल होती है, ऐसे सयाल को हम गैर दाब पज़ीर सयाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाली सयाल की खसूसियात बयान कीजिए। अब मिसाली सयाल हम किसे कहते हैं, तो देखिए जब भी हम मिसाली, ये लफ्ज़ हमें हमारे जहन में आता है तो एक आइडियल कंडीशन की बात की जाती है। मिसाली यानी होता है आइडियल। अब कायनात के अंदर कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, मिसाली नहीं होती, जैसा कि आइडियल गैस होती है। उसी तरीके से मैंने आप लोगों को रिजिड बॉडी के अंदर बताया था कि कायनात के अंदर कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है, सख्त शय नहीं है, हम हीरे को क्या है, लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि आइडियल फ्लूड मिसाली सयाल क्या होगा, उसकी खसूसियात क्या होंगी, तो उसकी खसूसियात मंदरजा ज़ैल है। पहली खसूसियत क्या रहेगी कि ये गैर दाब पज़ीर होता है, यानी इसकी कसाफत मुस्तकिल होती है।
गैर दाब पजीर का मतलब होता है ये इनकम्प्रेसिबल है, जितना भी हम इसके ऊपर अगर दबाव लगाएंगे तो इसकी कसाफत में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कसाफत मुस्तकिल होगी। तो मिसाली सयाल की अहम खसूसियात में ये गैर दाब पजीर होता है। नंबर दो क्या है, इसका बहाव गैर गर्दिशी होता है, यानी इसका बहाव बिना इस्तराब के साथ क्या है, हमवार होता है, यानी कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। जब इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो फ्लो जो है वो कैसा होता है, हमवार होता है। इसका जो बहाव होता है वो गैर गर्दिशी होता है। नंबर थर्ड है, ये गैर लुजूजी होता है। गैर लुजूजी का मतलब है कि नॉन विस्कस होता है। अब लुजूजियत या विस्कोसिटी किसे कहेंगे, अगर हम सादे जुमलों में कहें तो अगर मैं कहूँ कि पानी और शहद, इसके अंदर गाढ़ापन किसके अंदर है, शहद के अंदर है ना, यानी शहद की लुजूजियत विस्कोसिटी कैसी है, ज़्यादा है, उसके मुकाबले में पानी की विस्कोसिटी कैसी है, कम है। यानी जो मिसाली सयाल होता है वो गैर लुजूजी होता है, यानी इसके अंदर जो फ्लो होगा, जब वो फ्लो हो रहा है, जब वो सयाल क्या हो रहा है, बह रहा है, तो बहने के दौरान इसके अंदर कोई भी दाखली रगड़ नहीं होंगी, कोई भी मज़ाहमत नहीं होंगी, वो मज़ाहमत जो उसके फ़्लो को क्या कर रही है, रोक रही है, ऐसा नहीं होगा। वो सयाल जो है लुजूजियत नहीं रखता, सयाल जो है मिसाली सयाल जो होता है वो गैर लुजूजी होता है, और इसका बहाव जो है वो मुस्तकिल होता है, कॉन्स्टेंट फ्लो के साथ क्या होता है, मिसाली सयाल बहता है, यानी कि किसी भी लम्हे हर नुक्ते पर इसकी रफ़्तार जो है वो मुस्तकिल होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मिसाली सयाल के खसूसियात, MCQ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको मिसाली सयाल क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके दो पॉइंट याद रखें कि ये गैर दाब पजीर होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी दबाव लगाने पर इसकी कसाफत मुस्तकिल होती है, और ये गैर लुजूजी होता है, यानी बिगाड़ में दाखली रगड़ नहीं होती, ये लुजूजियत नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दबाव के बारे में, प्रेशर। सयाल के दबाव की तारीफ़ लिखिए और इसकी इकाइयां और इबाद लिखिए, यानी हमें प्रेशर किसे कहते हैं और यूनिट और इसके डायमेंशंस लिखने हैं। हमें प्रेशर का फार्मूला पता है, प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, दबाव मसावी क़ुव्वत बटे रकबा होता है। तो इसकी तारीफ़ देख लीजिए, साकिन सयाल के ज़रिए फ़ी इकाई तमासी सतह रकबे पर अमल करने वाली उमूदी क़ुव्वत, ये सयाल का दबाव कहलाता है। यानी जो भी सतह रकबा है, जो एरिया है, इस पर कितनी क़ुव्वत क्या कर रही है, अमल कर रही है, तो क़ुव्वत बटे रकबा, इसे हम क्या कहेंगे, दबाव कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रेशर यानी कि दबाव और एरिया यानी कि रकबा, प्रेशर और एरिया एक दूसरे के कैसे होते हैं, इन्वर्स होते हैं, माकूस होते हैं। यानी अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर छोटा सतह रकबा है, एरिया कैसा है, छोटा है, कम है, तो इस पर क़ुव्वत अमल जो करती है वो ज़्यादा होती है, तो दबाव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लें हम, जनरली अगर आपको समझने के, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक नेल है यानी एक कीला है, और उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हमें दीवार में क्या करना है, ठोकना है। तो हम क्या करते हैं, कीले का जो नौकीला सिरा है उसे हम दीवार की साइड में रखेंगे और ऊपर से इसको क्या करते हैं, हम मारते हैं। तो देखिए, हम फोर्स लगा रहे हैं वो नौकीले हिस्से पे, जिसका एरिया क्या है, कम है, तो वो ज़्यादा प्रेशर के साथ क्या कर रहा है, दीवार के अंदर जा रहा है। अगर उसी कीले को अगर कभी हम आड़ा कर दें, पहले कीला कैसा था, खड़ा था, तो एरिया कम था, फोर्स ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। अब अगर वो कीले को हम आड़ा कर दें, और आड़ा करने के बाद अगर इसको हम क्या करें, उसके ऊपर फोर्स लगाए, प्रेशर लगाए, तो क्या होगा, एरिया बढ़ गया है, फोर्स कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा। तो कभी भी हम क्या करते हैं, कीले का जो नौकीला सिरा है उसे ही क्या करते हैं, हम दीवार में ठोकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर छोटा सा सतह रकबा है तो क़ुव्वत उस पर ज़्यादा अमल करती है, तो दबाव भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। दबाव गैर सिमतिया है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसे सिमत तो सिमत नहीं होती, बस कदर होती है। और इसकी यूनिट क्या है,
अब देखिए क़ुव्वत की इकाई क्या है, न्यूटन। एरिया की इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। ऐसा यूनिट जो है न्यूटन मीटर रेस टू माइनस टू, या पास्कल भी हम लिख सकते हैं। मंदरजा ज़ैल इकाइयाँ दबाव की जो है होती है, यानी कि दबाव को हम ये इकाइयों में भी पैमाइश दबाव की कर सकते हैं। तो कौन कौन सी है वो, बार। तो देखिए 1 bar इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यूज़ याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। एक बार की कीमत कितनी होती है, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हेक्टो पास्कल की कितनी होती है, 100 pascal। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की 0.1 pascal। 1 torr की 1 bar/760 यानी 13.3 pascal। अब ये तो हो गई है इसकी इकाइयाँ। अब इसके बाद इसके डायमेंशंस देख लेंगे हम। तो L1, M1 और T-2 ये दबाव की क्या है, इकाई डायमेंशन है। इस तरीके से 2 marks का क्वेश्चन आपको आ सकता है। सयाल के दबाव की तारीफ, इसकी यूनिट्स और डायमेंशन लिखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। माए के सुतून के ज़रिए अमल करने वाला दबाव के लिए फ़िकरा अक्स कीजिए। यानी कि माए के सुतून के सबब जो दबाव पैदा होता है वो किन अवामिल पर मुनसर होता है, हमें ये निकालना है। तो देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे। फ़र्ज़ कीजिए रो कसाफत का हम जिन्स ए तराशी रकबे के इस्तवाने में रखा जाता है। हम क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं कि रो कसाफत का एक माया है, एक हम जिन्स माया है, जिसका जो इस्तवाने में रखा गया है, जो सिलेंडर में रखा गया है, वो जो लिक्विड है उसका एरिया जो है वो ए है। इस्तवाने में माया जुज़वी तौर पर भरा हुआ है। माया जुज़वी तौर पर भरा हुआ का मतलब ये है कि हाफ फिल्ड है, पूरा फिल है क्या, नहीं है। जैसा कि हमें कलर्ड पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पूरे इस्तवाने के अंदर जो है जुज़वी तरीके से, जुज़वी तौर पर माया भरा हुआ है। फ़र्ज़ कीजिए कि माए सुतून की ऊंचाई एच है, जो माया भरा हुआ है उसकी हाइट कितनी है, एच है, जैसा कि मुत्तसिला शक्ल में दिखाया गया है, जैसा कि हम शक्ल में यहाँ पे देख सकते हैं। माया सुतून का वज़न नीचे की जानिब धक्का लगाता है, यानी जो माया का जो सुतून है उसका जो वज़न है वो क्या कर रहा है, नीचे की जानिब धक्का लगा रहा है। और माया सुतून का वज़न क्या होगा, वज़न का फार्मूला है माया का हजम ज़रब माए की कसाफत ज़रब सखली इसरा। अब हजम यानी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो हम माए के हजम की जगह पे लिखेंगे ए इंटू एच, माए की कसाफत यानी कि रो, असखली इसरा यानी कि जी। तो फार्मूला हो गया है ए एच रो जी। इसके बाद जो दबाव का फार्मूला है, दबाव का फार्मूला क्या होता है, वज़न बटे रकबा, यानी माया सुतून का वज़न बटे अर्ज़ी तराशी रकबा। तो देखिए माया सुतून का वज़न का फार्मूला क्या निकला है, ए एच रो जी, और अर्ज़ी तराशी रकबा यानी एरिया डिवाइडेड बाई ए कैंसिल कर देंगे हम, तो बचा क्या हमारे पास, एच रो जी। यानी ये हमारे दबाव का फार्मूला हम निकाल चुके हैं। यानी ये जो मसावात है हमें क्या बताती है कि माए के अंदर किसी नुक्ते पर माए के सबब जो दबाव की जो क़दर है वो क्या है, वो बताती है। तो ये जो दबाव है माया सुतून के सबब जो अमल करने वाला दबाव है वो किस पर मुनसिर है, फार्मूले में देखेंगे हम एच रो और जी पर। एच क्या है, माया सुतून की ऊँचाई है। उसके बाद रो क्या है, माए की कसाफत है, और जी क्या है, सखली इसरा है। तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि माए सुतून के ज़रिए जो दबाव है, माए सुतून के सबब जो दबाव है वो किन अवामिल पर मुनसिर है, वो उस माए सुतून की ऊंचाई पर, माए की कसाफत पर और सखली इसरा पर। ये तमाम पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। यह हमारा 2nd chapter था, और साथ ही साथ आप इसे याद भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।